पायल 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 क्या हुआ पायल, रो क्यों पायल, तू रो क्यों रही है? एक चीज मैं बता रही हूँ, हम ये अकेले है, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है कि नहीं, बस ये बताओ। हाँ जरूरत है। हेलो एवरीवन, तो कैसा आप सब भाई हो, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ है पल्लवी। एक्चुअली बात ऐसी है कि एक लड़की है पायल नाम की, जो पल्लवी को भी बहुत सारा मैसेज की, देन मुझे भी बहुत सारा मैसेज कॉल वगैरह कर रही थी, दीदी मुझे आपसे बस मिलना है। अब पता नहीं क्या बात है, क्यों नहीं अभी तक बस मिलने के लिए बहुत जिद की। तो हम लोग कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए लगाए हैं कि वो हमारे लिए स्ट्रेंजर है और हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे साथ ही कुछ गलत होने का, क्योंकि स्ट्रेंजर है ना वो, इसलिए हमने कैमरा लगाया कि जो भी चीज़ हो कैमरा के सामने रहेगा। तो एक बार मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। पल्लवी देखो कहाँ पे हो, बुलाए तो थे। हेलो दीदी कहाँ पर हो आप? मैं आपका वेट कर रही हूँ। मैं तो बहुत थोड़ा सा लेट हो गया, सॉरी। तू हो कहाँ एग्जैक्ट अभी? पार्क में हूँ, जो आपने लोकेशन दी थी वहाँ पर हूँ मैं। अच्छा, ये रोज गार्डन के अपोजिट साइड देखो, जहाँ पे देखो तो अपोजिट साइड पे तुम, मैं येलो ड्रेस में हूँ। अच्छा अच्छा दिख रहा है। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ क्या हुआ? बैठो 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 बैठ जाओ बैठ 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 जाओ बैठ जाओ। क्या हुआ क्या हुआ? वो पहले रोना बंद करो ना पायल, पायल रोना बंद करो, तुम रोगी तो फिर कैसे होगा? चुप चुप पायल। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बताओ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप 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 चुप, शांत 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 शांत, चुप, पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम बुलाई ना, चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत एकदम शांत हो जाओ, ठीक हो? देखो पायल, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझसे मिलने आने वाली थी। देखो बाबू, मैंने वहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है, देखो वहाँ पे कैमरा है, इसलिए मैंने कैमरा लगाया है कि देखो तुम्हें लिए स्ट्रेंजर थी। अगर तुमको प्रॉब्लम है कैमरे से तो मैं कैमरे को हटा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रही हो इतना? मेरा भाई घर नहीं आता, मुझे छोड़ के चले गए, मेरे को और मेरी मम्मी को। कहाँ चला गया भाई? बहुत दिन से नहीं आते, वो हमारे साथ रहते भी नहीं, मैं और मेरी मम्मी रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, उनका कोई पता नहीं है। मतलब बताए होंगे ना कहाँ रह रहे क्या कर रहे? वो नहीं बताए, बात भी नहीं करते ढंग से, पता नहीं कहाँ रहते हैं। और क्या बोलते हैं, वो हमें सैलरी भेज देते, मतलब 5-10 हज़ार रुपये, हमें उससे हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारा भाई चाहिए हमें। मतलब वो तुम्हें पैसे हर मंथ भेज देते हैं और आते नहीं है मिलने? नहीं आते, नहीं आते। तो मम्मी से बोली नहीं बात करने के लिए? भाई से बोली थी मगर मम्मी बात ही नहीं करते, वो ना हमारी सुनते, बोलता मैं तुम्हारी सब चीज़ पूरी कर रहा हूँ तो तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम्हें किस चीज़ की दिक्कत है? हमें पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पहले रोना बंद करो। तो भाई कहाँ रहता है, कोई आइडिया कुछ भी? शहर में रहते हैं, पता नहीं है कहाँ पर रहते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पर रहते। मतलब फिर भी पता होगा ना कि कुछ तो बताए, भाई से बात होती है ना? हाँ बात तो होती है मगर वो हमसे ढंग से बात नहीं करते, बताते नहीं है कहाँ पे है, नहीं बताते मुझे मेरा भाई। मतलब इसी एक ही शहर में रहेगा वो, तुम लोग से मतलब कोई बातचीत नहीं है? कभी मिलने नहीं आते? नहीं कभी मिलने नहीं आते, और बस पैसा भेज देते हैं। हाँ पैसा भेज देते हैं। और ये कब से हो रहा है ये सब? ये मतलब 1.5 साल से हमसे अलग हुए हैं, जब से ही हो रहा है, जब से आए नहीं है, 1.5 साल हो गए हैं। उनकी शादी हो गई है? नहीं उनकी शादी नहीं हुई। ठीक है कोई नहीं, देखो कोई नहीं पायल, मैं समझ सकती हूँ और मैं पूरा कोशिश करूँगी तुम्हारे भैया को एक बार बात करते हैं उनसे। तुम पहले रोना बंद करो बहन, प्लीज, इतना रो रही है। चुप चुप यार, पहले इसको चुप करा यार, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ और गहरी सांस लो, तुम रोना बंद करो, ठीक है? खराब हो जाएगी। ठीक है अब ठीक हो? चलो ठीक है, एक काम करो, भैया का नंबर दो, मैं उनसे यहाँ बुलाती हूँ, बात करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी रोनित बात कर रहे हो? हाँ जी रोनित बात कर रहा हूँ। हाँ ये बोल रहे थे ना कि पार्क में एक लड़की बेहोश हो गई थी, उसके फोन पे मतलब बोले तो वो बोली कि मेरे भैया का नंबर है।
ये कौन है लगती है आपकी? जी मेरी सिस्टर है। तो ये पार्क में बेहोश हुई, आप थोड़ा आ जाओ ना इसको लेने के लिए। मैंने देखा कि अचानक आपने कौन से पार्क में, मैं लोकेशन आपको भेज दे रही हूँ, आप आ जाओ। ओके आप लोकेशन थोड़ा जल्दी आ जाना प्लीज, क्योंकि ओके ओके मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है आ जाओ। ओके कोई नहीं, हम बुला रहे। देखो सामने क्या होता है ना कि कभी कभी बात नहीं, सामने फेस टू फेस भैया से बात करो, बोलो क्या प्रॉब्लम है, आप पैसा भेजते हो सब कुछ करते हो बट हमारे साथ क्यों नहीं रहते हो। तो तुम उनसे एक बार बात करो, पूछो, ठीक है? तुम्हारा भाई है वो, तो तुम पूछो, उसका वो जवाब है, कोई तो रीजन हो इसकी वजह से नहीं आता है। ठीक है? ओके अब शांत रहो, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, हम हैं। आ रहे तुम्हारे भैया। ठीक है कॉल आ गया। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, आपने कॉल की थी ना। हाँ हाँ लोकेशन पे आ गए हो ना, ये गेट के पास हो क्या आप? हाँ 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 हाँ, वाइट टी शर्ट में। एक काम करो, इधर से इधर इधर देखो, इधर देखो। हेलो आप दिख रहे हो? दिख रहे हो? हाँ 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 जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ, मेरी बहन कहाँ है? आपने कॉल किया था मेरे को। बैठो रोनित, बैठो। मेरी बहन, मेरी बहन कहाँ पे है? आप दो मिनट बैठो ना प्लीज। हाँ। दो मिनट बैठो, मैं बुला रही हूँ आपकी बहन। हाँ, को दो मिनट रुको, दो मिनट रुको आप। हाँ। ऐसे बहन से मतलब नहीं, आप दो मिनट रुको, मैं बुला रही हूँ उसे। पैनिक मत करो प्लीज, दो मिनट रुको। हाँ पायल आ जाओ, तो भैया आ गए। पायल 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 क्या हुआ? पायल रो क्यों, पायल तू रो क्यों रही है? पायल पायल क्या हो गया? पायल तू रो क्यों रही है ऐसे? रोनित रोनित शांत बैठो बैठो पायल बैठो, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि क्यों रो रही है, ये इससे क्या पूछ रहे हो? पहले बैठो तो, बैठो तो, अब बताओ कि क्यों रो रही है? पायल क्यों रो रही है? पायल क्या हो गया? पायल तुम सब घर चलो मुझे। नहीं तुम रो क्यों रही हो ये तो बताओ, पायल क्या हो गया? रोनित पायल पायल चुप 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 हो जाओ। रोनित मैं आपको एक बात बता दूँ, पायल को कुछ नहीं हुआ था। पायल मेरे पास आई थी, पहले मैं बता दूँ, देखिए वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, हम लोग लोगों की हेल्प करते हैं। पायल मेरे पास आई थी, बोली कि मेरे भैया हम लोग को पैसा दे देते हैं, मेरी मम्मी है और मैं हूँ, बट मेरे भैया हम लोग के साथ नहीं रहते, मुझे पैसे नहीं चाहिए बट मेरे भैया चाहिए, आप मेरे भैया को समझाइए। एक आप खुद बात सोचो, ये घर में दो लेडीज है ना? हाँ जी मेरी मम्मी है और मेरी बहन है। आप क्यों नहीं जाते हो घर? घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स है इसलिए मैं काम के लिए बाहर, मतलब रहता तो यहीं। आप तो इसी शहर में रहते हो? हाँ मैं इसी शहर में रहता हूँ बट घर पे नहीं रहता। क्यों? बस घर की थोड़ी प्रॉब्लम्स है, इस मारे नहीं रहता मैं घर पे। आपकी क्या लगती है? ये मेरी बहन है। बताओ आपका दिल कितना पत्थर का है यार, आप एक ही से अपनी बहन को कोई एक ही शहर में रह के फिर क्यों नहीं रहते हो? ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है इसलिए मैं अलग रहा। ये लड़की क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है? किससे? इससे प्रॉब्लम्स है या अपनी माँ से? कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी वैसी ही प्रॉब्लम है। क्या वैसी प्रॉब्लम है? तो फैमिली से भाग, सुनो सुनो, प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए फैमिली से भागोगे तुम कि फैमिली के साथ बैठ के सॉल्व करोगे? मैं अपनी फैमिली सॉल्व ही कर रहा हूँ सारी प्रॉब्लम्स, मैं काम धंधा करता हूँ अपना, बाहर रहता हूँ, इनको पैसे वगैरह भिजवाता हूँ, अब ये थोड़ी ना काम करेंगे। ये पता है क्या बोली है? बता पायल ये पायल क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ घर चलो। पायल पायल मैं तेरा सपना पूरा करना चाहता हूँ, पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ। पायल पढ़ना भी नहीं है मेरे साथ पायल, घर चलो। पायल मैं सपना पूरा करना चाहता हूँ तुम्हारा। रोनित 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 एक बात बताओ, तुम एक बात समझो, ये तुम्हारी बहन है ना, तुम पैसे दे रहे हो, ये क्या बोल रही? मुझे पैसे नहीं, मुझे मेरा भाई चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ रहो, मेरी मम्मा के साथ रहो। ऐसे क्या प्रॉब्लम आ गया रोनित? ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि तुम अपनी बहन और माँ से एक ही शहर में रह के दूर रहते हो? कोई कमाने वाला नहीं है, अकेले ही हूँ। तो ठीक है, तो साथ में भी तो रह के कमा सकते हो ना, कौन सा ये तुम्हारा पैर बांध के रखी है? चाहिए मुझे थोड़ा मिले, उसमें घर चला लेंगे, हमें पूरा नहीं चाहिए, उससे कम पैसे भी मिलेंगे, हमारा घर चल जाएगा, मगर हमसे दूर मत रहो। पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं, पापा तेरे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं ना? मुझे कुछ नहीं बनना, मगर मेरे को तुम हमारे साथ लोगे, सब पड़ोस में अड़ोस पड़ोस में सब गंदी नजर डालते हैं, दो औरत रहती है
पायल तरफ से किसी ने कुछ बोला है क्या? पायल किसी ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला, सब देखते सब। देखो जिस घर में आदमी नहीं रहते हैं ना, जिसका भाई रहते हैं उसके साथ नहीं ना, तो 10 लोग 10 बात करते ही है। आपको खुद ये सोचना चाहिए, आप ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपनी फैमिली को कितना दुख दे रहे हो। मैं इसके लिए अनजान हूँ, हम दोनों नहीं जानते हैं, इसको पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन ये लड़की इतना रोई है ना, आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगी, इतना ये मैसेज किए मुझे। अब तो मैं अपनी बहन के सपना पूरा करना चाहता हूं। सपना? अच्छा ठीक है सुनो, आप मंथ का 50,000 कमा रहे हो, अपनी बहन को 50 पैसे का खुशी भी नहीं दे पा रहे हो, तो उस पैसे का क्या करोगे भाई? मैं इसकी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ सब भाई। देखो देखो सुनो सुनो कुछ चाहिए सुनो देखो जी, अभी कुछ नहीं, पर आगे चल के तो खुश रहेगी। नहीं ऐसा नहीं है, खुश नहीं है अभी, अभी खुश भी नहीं रह पाएगी अगर तुम ऐसे करोगे तो। तुम कम ही कमाओ लेकिन अपनी मम्मी अपनी मम्मी बहन के साथ रहो। मैं रहना तो चाहता हूँ बट फिर काम धंधा कौन भाई, बात तो समझो। कैसे ऐसे ठीक है, माँ बाप के साथ रहोगे? काम हो सकता है ना, कम ही कमाओ। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम थोड़े में अपना गुजारा कर लेंगे। थोड़े में गुजारा नहीं होता, पापा की उससे कम इनकम से क्या होता है? हमें सपना पूरा करना, तुम्हें माँ और बहन से बढ़कर कुछ है? कुछ हमारे ये तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ ये सब, और किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे साथ रहो, हमारे लिए इतना ही अच्छा, हमें और कुछ ये क्या मांग रही है? तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे साथ हूँ तो मैं नहीं हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। सुनो सुनो हेल्प कर रहा हूँ रोनित, अगर तू इसके साथ है तो ये मेरे पास क्यों आती, बस तुम ये बता दो क्यों आती है मेरे पास? मिलना क्या यार, एक ही शहर में रहते हैं। आपको अब देखा है 1.5 साल के बाद, अब देखा है मैंने आपको, वो तो इन दीदी ने मुझे मेरी मदद करी जब मैं आपको देख पाई। रोनित देखो भाई बात समझो, एक चीज मैं बता रही हूँ, हम ये अकेले है, तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है कि नहीं, बस ये बताओ। हाँ जरूरत है, हम दोनों लड़की है ना, हम लोग को समझ में, पूछ लो इससे कितना प्रॉब्लम होता है। अकेले रहते हैं ठीक है, हमें ना रोज कई तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, मतलब फेस करनी पड़ती है, और हम लोग ना सोचते हैं कि हम अकेले, हमारा अकेले रहना मजबूरी है ठीक है। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ठीक है, अपने काम की वजह से यहाँ पे रह रहे हैं। तुम एक ही शहर में हो, एक ही शहर में हो, रह सकते हो ना, फिर भी अपनी बहन और माँ से दूर हो। अरे वो भी छोड़ो, कोई बात नहीं पायल, मैं साथ रहूंगा मम्मी। भाई प्लीज देखो भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, देखो कम ही कमाओ लेकिन अपने फैमिली के साथ रहो। हमारा और तुम्हारा, तुम कैसे ये सोच रहे हो यार कि मतलब एक ही शहर में रह के, मतलब तुम्हारी बहन है ये? हाँ मेरी बहन है ये। तुम्हारा मैंने देखा, तुम्हारा केयर, तुम्हारी अपनी बहन के लिए प्यार मुझे दिखा, वो आए ना तुम पर कहने पे आ गए भी ना। मतलब आज के टाइम पे लोग ना सोचते हैं, अगर कोई स्ट्रेंजर कॉल करके बोलता कि ऐसा हो गया तो सोचते हैं कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। एक बार मैं आ गए बहन, भाई जब इतना प्यार करते हो ना तो थोड़ा सा इसकी ही बात सुन लो। पायल कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, माँ के साथ रहूंगा। पायल कोई बात नहीं, पायल मेरे से गलती हो गई, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा, अब नहीं होगा पायल ऐसा। चुप हो जाओ पायल, कोई नहीं, चुप हो जाओ पायल, अब नहीं रो बाबू, तुम्हारे भैया अब तुम्हारे साथ रहेंगे, चुप हो जाओ। गलती हो गई पायल मेरे से, पायल अब तो चुप हो जाओ, अपने अब तो भैया ने भी कह दिया कि वो साथ में रहेंगे। चुप चुप कितना रोएगी, जब से आई है रोई जा रही है। चुप हो जाओ पायल, तुम खुश हो जाओ, भैया तुम्हारे साथ, और प्लीज रोनित इन लोगों को छोड़ के देखो। गलती हो गई सॉरी, मैं ज्यादा ही पैसों के पीछे भागने लगा था। पैसे सब कुछ नहीं होते, ये खुश नहीं है, मैं इनकी खुशी के लिए ही कर रहा था सब कुछ। मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, हमारे साथ रहोगे ना तो सब कुछ है। आप पायल, मैं मम्मी के और तुम्हारे साथ ही रहूंगा ठीक है। आप बिल्कुल देखो अपना बहन का ख्याल रखो यार, पता है बहुत प्रॉब्लम होता है, अकेली लड़की है, मुझे बताई की थी, मुझे होता है मैसेज की थी भी, लड़के गलत, मैं किससे बोलूँ, मेरा भाई मुझसे मिलता नहीं है, सही से बात नहीं करता है। मैम मैं अब अपनी बहन के और मम्मी के साथ रहूंगा। मैं एक बात सुन लो, रहे हो समझ लो अच्छे से, पैसों से खुशियाँ नहीं मिलती, खुशियाँ फैमिली से मिलती है। और आज तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पापा का सपना पूरा करना है, तुम्हारी माँ है ना, उनका तुम क्या सोचे? जो पापा चले गए वो तो है नहीं, माँ तो है ना, है कि नहीं माँ? बस अपनी बहन के बारे में सोचा था, अपने पैरों पे। अब ये क्या सोच आ रही है कि तुम्हारा भाई मेरा भाई मेरे साथ रहे, बट आप क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं अब मम्मी और प्लीज रोनित, अगर आपको इस चीज का एहसास हो बहुत बड़ी, लेकिन आज के बाद प्लीज अलग नहीं रहा ना, और पायल तुम्हारा भाई तुमसे दूर नहीं जाएगा ठीक है? अरे कोई बात नहीं बच्चे, तुम बहुत ऐसे रोया मत करो यार, बहुत रोती है। पायल चुप हो जाओ पायल, और प्लीज रोनित अलग नहीं होना यार, बहन है तुम्हारी, माँ है, इन लोग के तुम्हारे अलावा इन लोग का कोई नहीं है, तुम ही हो एक हो सहारा, तुम ही को देख के जीती है, और तुम अगर ऐसे करोगे तो इन लोग कैसे रहेगी? नहीं मैं इनके साथ ही रहूंगा ठीक, अच्छे से रहना ओके।